लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जनपद कानपुर देहात का दौरा किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कानपुर देहात के काशीपुर गांव स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में माथा टेका और इसके बाद जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों में से 95 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 45 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं देश और प्रदेश का तेजी से विकास होने का दावा भी किया। सभा में एक प्राचीन हनुमान मंदिर के एक रोड का शिलान्यास और एक बहुत बड़ी परियोजना है हमारी साथी मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी उनके क्षेत्र से पकड़ी से होली मार्ग जो 56 करोड़ की लागत का है और उनके प्रयासों से प्रदेश सरकार ने स्वीकृत की है उसका भी शिलान्यास किया गया है। और तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो माननीय सांसद जी ने रखी है कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के लिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग की तरफ से कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। बड़ी बड़ी परियोजनाएं रसूलाबाद विधानसभा के लिए भी लाई जाएंगी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं और जितनी भी सड़कें बरसात में क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको तुरंत मरम्मत करा के वर्ल्ड क्लास व्यवस्था बनाएं।